आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो भी बच्चे वीआर होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में देखिए करंट अफेयर्स के टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो जिन बच्चों का 24 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। पीएम मोदी ने हाल ही में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है, जबकि पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का आउटपुट कितना कम हुआ है? 23.4%। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते भारत की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आउटपुट मई के महीने में 23.4% घट गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30 जून 2020 को इससे संबंधित आंकड़े जारी किए। इन 8 कोर सेक्टर में पिछले साल इसी महीने में 3.8% की वृद्धि हुई थी। इनमें फर्टिलाइजर्स को छोड़कर सभी 7 सेक्टरों में घटत दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है उत्तराखंड में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। इसे उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसार प्रकोष्ठ ने विकसित किया है। कवक लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपती है। अगला क्वेश्चन, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐप में किसानों को मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी और एसएमएस एडवाइजरी, ई पशु हाट, किसान टीवी सहित कई उपयोगी सेवाएं दी जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिका में चीन की हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है? जेटी सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हाल ही में अमेरिका में चीन की हुआवे और जेटी कंपनी पर बैन लगाया गया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमिश्नर एफसीसी ने इन कंपनियों को खतरनाक बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान सेना। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? डी वाला जो ऑप्शन है आपका 2036 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं।
संविधान संशोधन कानून के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6-6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है। साथ ही 15 मैन ऑफ द सीरीज भी उनके नाम है, जबकि अब तक 248 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं और 36 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री एडॉल्फ फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? फ्रांस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडॉल्फ फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभाले रहेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का कार्य भी करेगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ उसका नाम क्या है? संस्कृत बल्लरी, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी नाम से नया समाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका प्रसारण 4 जुलाई 2020 से शुरू किया गया। इसे ऑल इंडिया रेडियो के FM न्यूज चैनल पर सुना जा सकता है। इसका प्रसारण हर शनिवार को किया जाएगा और रविवार को इसका पुनः प्रसारण होगा। यह 20 मिनट का समाचार कार्यक्रम होगा जिसमें सप्ताह भर की प्रमुख खबरों, घटनाओं आदि को शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन JJM को लागू किया है? हिमाचल प्रदेश, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। JJM का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, अर्थात गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली मोहंती, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैशाली मोहंती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में स्थित नूनगढ़ का टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया जाएगा? लखीसराय, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखीसराय जिला में खनन के दौरान अधिक मात्रा में पुरातत्विक मूर्तियां मिल रही हैं, जिस कारण अभी तक लखीसराय जिला में 6 स्थानों को सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है। छठवां स्थल के रूप में नौनगढ़ टीला को घोषित किया गया है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि यह स्थल ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पहली से दूसरी शताब्दी के बीच कुषाण काल के बौद्ध स्तूप मिलने की अधिक संभावना है। यह पुरातत्विक स्थल लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। कल की डेट में किन किन बच्चों का एग्जाम है कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग।
ठीक है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के लिए कितने प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं? 9, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी 20 पद रिक्त हैं। विधान परिषद में सबसे अधिक जदयू के सदस्य हैं जिनकी संख्या 23 है। दूसरे स्थान पर भाजपा 20 सदस्य के साथ। यह 9 प्रत्याशी निम्न है जो निर्विरोध चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के सभी जिले में गीत संगीत मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए राज्य की सभी जिले में किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा? ध्रुव, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा विभाग की इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नीति में शामिल किया गया है, नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इस सेंटर का पूरा नाम ध्रुव उत्कृष्ट सेंटर रखा जाएगा। इस सेंटर में गीत संगीत मार्शल आर्ट विज्ञान में रुचि रखने वाले कक्षा 9 से 12 तक के प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छात्रों की अधिकतम संख्या 60 तक रहेगी। छात्रों के चयन के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में पहली बार बिहार के किस स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल बेल रोड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? पटना जंक्शन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना जंक्शन पर हाल ही में डिस्पोजेबल बेडशीट रोल कियोस्क मशीन का शुरुआत किया गया है। 250 में सैनिटाइजर, कंबल, चादर, तकिया, फेस मास्क व सैनिटाइजर मिलेगा यात्रियों को। विधानसभा चुनाव में किस उम्र से अधिक के लोगों को वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी? 80 वर्ष से अधिक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह सुविधा विकलांग मतदाताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में राज्य में 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 1,35,543 है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योग लगाएगी, इस योजना को क्या क्या नाम दिया गया है? इस योजना का क्या नाम दिया गया है? औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए लघु उद्योग के लिए एक ही यूनिट पर सरकार ने करीब करीब 10 लाख खर्च करेगी। अधिकतम 50 व न्यूनतम 10 मजदूर इसमें काम करेंगे। इसके लिए पटना जिला को करीब करीब 50 लाख का आवंटन भी कर दिया गया है। इस योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट, पेपर ब्लॉक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, काशीदाकारी, बढ़ईगिरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रंगाई पुताई आदि का यूनिट स्थापित किया जाएगा। इस योजना के लिए उद्योग विभाग और श्रम विभाग, DDM, नाबार्ड, NIT, CIMP, NIEP, NIFT आदि संस्थानों को मंजूरी, सॉरी जिम्मेदारी दे दी गई है।